तो अचानक से मैं दादू भाई के पास कैसे पहुंच गई? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो सब रेडी हो गए, दीदी भी रेडी हो गई, वंदिका भी रेडी हो गई और हमारी दिव्या मैडम भी रेडी हो गई। दिव्या मैडम वही ड्रेस में है क्योंकि वो अभी घर जा रही है सीधा। और हम कहाँ जा रहे हैं? वेट 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 एंड वॉच, शूटिंग में जा रही है और बहुत जल्द मिलेंगे। मेरी दिव्या जा रही है, बाय। हम लोग अपना जुगाड़ कर रहे हैं गाना सुनने के लिए। डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं देता यूट्यूब वालों? तुम मैं समोसे खा रही बैठ। तो हाँ, हम लोग रायपुर जा रहे थे। उसके बाद कुछ काम से गए थे ना गाइस, तो बैठे बैठे उस जगह में हम बोर हो रहे थे। पूरे 5 बजे गए थे हम लोग, इतना बोर हो गए थे कि क्या करूँ, मेरा टाइम नहीं निकल रहा था, जल्दी निकल रहा टाइम। तो यस, मैं रिकॉर्डिंग में गई थी, मेरा ये मेरे थर्ड सॉन्ग का रिकॉर्डिंग होगा। जब सॉन्ग आएगा ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तब तक के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। अब मैं कैसी लग रही हूँ वैसे रिकॉर्डिंग, उसमें बड़ी प्यारी लग रही हूँ ना। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मामा के घर। आइसक्रीम खाते खाते लाइट गोल हो गई। ओहो नो, पता चल गया ना सगम मना के गए। ऊपर बुला ले मामा के। बहुत दिन बाद मेरे दादू भाई को देखा ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसको देखो, मुंह में आइसक्रीम लगा लिया था, कैसे कैसे आइसक्रीम खा रहा था मेरे दादू भाई। पुची जैसे देख रहा दादू जैसे। तो गाइस, मैं आज पाकी के घर आ गई हूँ और पाकी वो मैं नहीं बता सकती पाकी क्या कर रही है, तो ये बस हंसने का काम कर रही है। और ये हमारा दादू भाई, हेलो कर दे। हेलो हेलो शर्मा गया गाइस, शर्मा गया है ना। तो मैं आज ज्यादा खाना खा ली हूँ, मामी ने मुझे ज्यादा खाना खिला दिया, क्या करूँ गाइस। मम्मी के कितना एक्साइटेड हो गया मेरे दादू भाई। तो कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा।